हे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आ चुका हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में एक नया क्रिएटर अपने वीडियोस को अपलोड करता है यूट्यूब पे, ना तो उसके ऊपर व्यूज आते हैं ना तो सब्सक्राइबर्स आते हैं। चाहे आप कितना अच्छा थंबनेल बना लें, चाहे कितना अच्छा टाइटल ले लें, चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना बना लें, लेकिन स्टार्टिंग में उसके ऊपर व्यूज वगैरह नहीं आएंगे। और जो डायरेक्टली सब्सक्राइबर्स व्यूज के साथ कनेक्टेड होंगे, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर कहाँ से आएंगे। तो हमें सबसे पहले व्यूज लेने हैं। मैं आज इस वीडियो में खुद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि किस तरह से मैंने खुद अपने चैनल को जीरो से ग्रो किया। और स्टार्टिंग में जो मेरे 100 सब्सक्राइबर थे उसे मैंने कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 56 डेज लगे थे, और उसके बाद जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं उसे कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 10 दिन लगे थे। पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, और आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस बने हैं और उसमें सिर्फ ट्रिक्स वगैरह बताई हैं। मैं आपको ऐसी कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने खुद अपना जो मेरा ये चैनल अभी आप देख रहे हैं इसे ऑलमोस्ट मैंने 3 महीने पहले बनाया था, और उस टाइम चैनल जो सब्सक्राइबर्स थे वो 0 थे। और स्टार्टिंग के मुझे जो 100 सब्सक्राइबर थे उसे कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने लगे थे, और जो अभी देख रहे हैं 1.5 महीने मैंने ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। ये किस तरह से हुआ। फाइनली जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था तो नॉर्मली 20-30 व्यूज नॉर्मली उसके ऊपर आ रहे थे, और मैं बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा था। मोस्ट मुझे 2 महीने कंटिन्यू वीडियोस बनाते हुए हो चुके थे और ऑलमोस्ट मैं 60 वीडियोस अपलोड कर चुका था। फाइनली मैंने सोचा यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी व्यूज इतने कम आ रहे हैं। देन मुझे गूगल एड्स के बारे में पता लगा कि गूगल एड्स में अगर आप अपने पैसे स्पेंड करते हैं तो वहां से आप बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलता है अगर आपके वीडियो कंटेंट वगैरह अच्छा है। देन फाइनली मैं तो इस बात पे श्योर था कि मेरा कंटेंट अच्छा है, अगर लोगों तक पहुंचेगा तो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्योंकि गूगल एड्स से ना तो वॉच टाइम काउंट होता है, वहां से सिर्फ जो सब्सक्राइबर्स आते हैं वही आपके चैनल पे परमानेंट रहते हैं, अगर आप उनको वहां पे रोक सकते हैं तो। फाइनली मैंने सोचा कि क्यों गूगल एड्स में थोड़े से पैसे स्पेंड किए जाएं, और मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं कर सकते, नॉर्मल सी बात है। फाइनली मैंने जो मजदूरी लगा के पैसे वहां पे कमाए थे, मैंने 2000 रुपए उसमें इन्वेस्ट करने का सोचा गूगल एड्स के थ्रू। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ आई शूट माई यूट्यूब वीडियो, उसके ऊपर मैंने 2000 रुपए का गूगल एड्स के थ्रू कैंपेन लगाया। और आपको पता है अगर आप गूगल एड्स के थ्रू अगर वेबसाइट के थ्रू आप वहां पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको 2000 का कैशबैक भी मिलता है एक मंथ में। पहले तो मैंने 2000 रुपए वहां पे खर्च लिए, तो ऑलमोस्ट मुझे वहां पे 30,000 से 35,000 व्यूज नॉर्मली आए, और जो एवरेज सीपीवी था मुझे रहा 0.06। उस टाइम मुझे ऑलमोस्ट 1200 से 1300 सब्सक्राइबर्स वहां पे मिल गए, और मेरे चैनल पे एक अच्छा स्टार्टअप मिल गया, एक अच्छी ऑडियंस मिल गई जो मेरी वीडियोस को देखकर अच्छा रिस्पांस कर रही है और मेरे वीडियोस को शेयर कर रही है। और इस साथ साथ में मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। मेरे भाई हैं विनेश चंदेल, उन्होंने उनका चैनल है HPTGT नॉन मेडिकल, उन्होंने अपने होम पेज पे मेरे चैनल को लगाया और मुझे वहां से भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए। साथ में एक एक्टर अशोक है, उन्होंने 500 से मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे गूगल पे किया, और साथ में उन्होंने अपने चैनल पे होम पेज पे मेरा चैनल भी लगाया, जिससे मुझे वहां से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए। और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स एक बार बन गए, उन्होंने मेरे वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर किया इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। इस तरह से मैं अपने चैनल को ग्रो कर पाया स्टार्टिंग से लेके। और जो गूगल एड्स के थ्रू तो मैंने फ्री से करवाया है, क्योंकि एक मंथ बाद मुझे 2000 का कैशबैक मिल गया। फाइनली एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप मेरा कैंपेन लगाइए, और मैंने एक वीडियो बनाया था कोई कैंपेन लगाने में इंटरेस्टेड है आप मुझे SMS कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी से कैंपेन प्रॉपरली रन नहीं होता, तो मैंने उसका कैंपेन रन किया और ऑलमोस्ट मैंने 1500 तक लोगों के कैंपेन लगाए, और सिर्फ 500 से मैंने अपनी वीडियो को दोबारा प्रमोट कर दिया। सिर्फ मुझे 500 रुपए में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल गए, क्योंकि थोड़ा समझदारी से भी किया, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं लगे। 2000 पहले मैंने खुद अपने एड्स पे लगाए, फिर मैंने 1500 जो मुझे कैशबैक मिला उससे मैंने दूसरों की एड लगा दी, ताकि जिससे मुझे नुकसान भी नहीं हुआ और मेरा जो चैनल था वो भी उसको एक अच्छा स्टार्टअप मिल गया और मेरा चैनल ग्रो कर गया। नॉर्मल सी चीज है दोस्तों, आपने ध्यान में रखनी है, स्मार्टली आपने वर्क करना है। क्योंकि YouTube पे एक वीडियो तो मैंने उसमें देखा, उन्होंने कहा कि आप Facebook पे सर्च कीजिए YouTube सब्सक्राइबर्स ग्रुप, तो उसमें 2.5 लाख बंदे थे, वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वो उसमें अपना लिंक डालना है। उसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, अगर वो अनएक्टिव हैं और किसी और फील्ड से इंटरेस्टेड हैं
तो आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन भी जीरो होगा, आपका चैनल भी कभी ग्रो नहीं करेगा, और फिर आपको ज्यादा दुख लगेगा कि सब्सक्राइबर्स हैं फिर भी व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप से आए हैं, सिर्फ मीन खुद के सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए आए हैं, वो तो वैसा हो गया सब फॉर सब हो गया, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपके पास जेन्युइन ट्रैफिक आता है सो वो बहुत ज्यादा आपकी वीडियोस पे बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज वो आपकी 2-4 मिनट की वीडियो में सिर्फ 10-15 सेकंड देखेगा कि इस बंदे ने बनाया क्या है और वहां से चला जाएगा, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन भी खराब होगा। सो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने चैनल को ग्रो किया है और कुछ टिप्स बताऊंगा भी जिन्हें आप ध्यान में रख के अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, और मैंने भी खुद किया। सो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जो भी आपका मेटा डाटा होता है, आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स, एंड फोर्थ होता है आपका थंबनेल। सो आपने इन चीजों चार चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना है। सो आपने कॉपीकैट नहीं बनना कि किसी दूसरे को फॉलो कर लिया, आपने बी योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो फर्स्ट आपने थंबनेल के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करना है कि आपका थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, कि उसके ऊपर लोग क्लिक करने को मजबूर हो जाएं। सो सेकंड टाइटल, क्योंकि टाइटल और थंबनेल बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी वीडियोस पे व्यूज लाने के लिए, तो इन दो चीजों के ऊपर आपने बहुत ज्यादा वर्क करना है। एंड डिस्क्रिप्शन में आपने हमेशा अपने वीडियोस के बारे में बताना है कि इसमें है क्या, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक नया क्रिएटर होता है तो पहले से बहुत सारे वीडियोस उस टॉपिक के रिगार्डिंग बने होते हैं जिसके ऊपर आप बनाते हैं। सो आपने ध्यान रखना है कि YouTube किस तरह से आपकी वीडियोस को वहां से पिक करे, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अच्छा टाइटल लेंगे, तो YouTube वहां से अंडरस्टैंड कर पाता है, अगर कोई सर्च करता है टॉपिक के रिगार्डिंग तो आपका वीडियोस वहां पे वो टॉप सर्च में लाता है। सो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। एंड देन आप कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर अगर वीडियोस बनाएंगे देन आपका वीडियो टॉप रैंक में सर्च करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था हाउ टू डाउनलोड फॉल गाइस बी अवेयर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे थे कि फॉल गाइस गेम को किस तरह से डाउनलोड किया जाए, लेकिन ये अभी तक एंड्रॉइड वर्जन में अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने बस अवेयर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सारे लोग फेक न्यूज बना रहे हैं, फेक वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर, तो आपने हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है। सो अभी अलार्म बज गया। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है हमेशा। और वीडियो, आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वीडियो की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, वीडियो 5 मिनट का बनाना चाहिए या 10 मिनट का या 2 मिनट का। सो वीडियो का कोई भी जो लेंथ होती है उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, जितनी देर तक आप अपनी ऑडियंस को वहां पे होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर तक आपको वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं इस चीज को। सो आपने खुद को अंडरस्टैंड करना है, किसी भी ट्रिक को फॉलो मत कीजिएगा कि वॉच टाइम इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ लगा दिए। सो अंडरस्टैंड, आपने काम करना है इंडिविजुअली, किसी को वीडियो शेयर नहीं करना है। सो कुछ भी नहीं होता अगर आप ज्यादा वीडियो किसी एक लिंक से शेयर करेंगे, फिर भी कोई नुकसान नहीं होता है, बस टाइम, मैं आपको बता दूं कि आपका टाइम वेस्ट होता है ऐसा करने से, क्योंकि बहुत सारे बंदे नहीं देखते, एक बार आप सेंड करेंगे तो देखेगा लेकिन दूसरी बार नहीं देखेगा। सो एक तरीका आपको बता देता हूं कि अगर आपने स्टार्टिंग में अपने वीडियोस को किस तरह से शेयर करने हैं, अगर आप गूगल एड्स भी नहीं लगा सकते, सो नॉर्मली जो 2-3 बड़े सोशल मीडिया है, फर्स्ट हो गया आपका व्हाट्सएप हो गया, सेकंड आपका इंस्टाग्राम हो गया, थर्ड आपका फेसबुक हो गया। सो इन तीनों में व्हाट्सएप स्टेटस डालने का ऑप्शन होता है, स्टोरीज ऐड करने का ऑप्शन होता है। जब भी आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो वहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसको स्टोरीज में ऐड कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त होंगे वो जानना चाहेंगे कि यार इसने स्टेटस डाला है, चलो मैं जाके देखता हूँ, यूट्यूब पे आपका नाम सर्च करेंगे, इसने सच में क्या डाला है उसके ऊपर। सो वो उसको पूरा वॉच करेंगे, देखेंगे जाके, जिससे आपको जेन्युइन सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, क्योंकि फेसबुक पे तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, ऑलमोस्ट आप 5,000 तक फ्रेंड्स बना सकते हैं। अगर उसमें से 100 बंदे भी आपकी पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आप वहां पे लिंक शेयर कीजिए पोस्ट करके, सेम आप व्हाट्सएप स्टेटस में कर सकते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस में आप लिंक डालिए एंड उस वीडियो के बारे में बताइए कि आज मैंने नया वीडियो अपलोड किया है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसे जरूर देखें। सो इंस्टाग्राम पे भी आप सेम कर सकते हैं कि स्टोरीज अपलोड किया एंड पोस्ट में भी अपना उस वीडियो के रिगार्डिंग डाला। सो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप ट्रिक फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, और आज तक मुझे भी कोई ट्रिक नहीं मिली जो इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं इस तरह से आप ये कीजिए आपके 10 दिन में सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे। सो मैंने जनरली खुद 10 दिन में सब्सक्राइबर इंक्रीज किए हैं और फुल प्रूफ के साथ, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि 10 दिन में कैसे इंक्रीज हो गए थे। सो आपने कोई भी ट्रिक वगैरह फाइंड आउट नहीं करनी है, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे वहां से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए और वो कितने कम पैसे। सो आपने समझदारी से काम लेना है, ना कि मेहनत से। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी समझदारी से आपने हर चीजों को लेके चलना है। तो नॉर्मल सी चीजें ये होती हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपका चैनल 100% ग्रो जरूर करेगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को भी ग्रो करने में हेल्प करना। सो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि किस तरह से सब्सक्राइब इंक्रीज होंगे, और नए यूट्यूबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड इस तरह की नॉलेजेबल एंड प्यारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Peace.